जो सपने देखते हैं अक्सर उन्हीं के सपने पूरे होते हैं आपके फौजी बनने के सपने को साकार करने के लिए में एक बार फिर मैदान टॉप क्लास अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया एस एस सी जी डी फौजी बैच जो देता है आपको सौ प्रतिशत सिलेक्शन की गारंटी तो देरी किस बात की आज ही ज्वाइन करें एस एस सी जी डी फौजी बैच मात्र दो सौ पचास में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। सीमित समय के लिए उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए आप एस एस सी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें नमस्कार दोस्तों मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एस एस सी मेकर उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी अब आपकी प्रैक्टिस भी दिन पे दिन अच्छी होते चली जाएगी लेकिन आज का बात याद रखना थोड़ा सा आज का जो प्रश्न होगा वह अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कोई भी बच्चा नजरअंदाज नहीं करेगा किसी भी प्रश्न को और ये प्रश्न आपके ओ है जो आपके एग्जाम से डायरेक्ट संबंध रखते हैं तो थोड़ा सा इग्नोर नहीं करना ऐसे प्रश्न को डायरेक्ट आप सीखने की कोशिश करना जो चीजें नहीं समझ में आती उसे बताने का प्रयास किया जाता है पूर्णतः सटीक और सही दिशा में तो आपको भी लगन से पढ़ाई करना है ठीक है उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे मेरे भाई आज की क्लास पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से मुलाकात कराते हैं और क्वेश्चन नंबर एक हमारे सामने आ जाता है और ये ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है जरा आप खुद पढ़ने की एक बार कोशिश किया करिए कि सर एक्चुअली में प्रश्न हमारा क्या कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द आपको चुनना है वाक्यांश के लिए एक शब्द यह कह सकते हैं और ये प्रश्न आपकी एग्जाम में मेरे भाई कहीं ना कहीं बनता है ऐसा जो अंदर से खाली हो बना देता हूं आपका दोस्त बना देता हूं अंदर से कुछ है ही नहीं पेट हो है नहीं पेट एकदम खाली है क्या है अंदर से खोखला है ऑप्शन में है खंडित खोखला तो आपने खोखला करेक्ट किया खंडर और खंडहर से काम जरा सा नहीं चल रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू होता है नैसर्गिक दिया हुआ है का विपरार्थक मतलब विलोम होता है इसका आपको कहीं ना कहीं विलोम चुनना है और विलोम चुनने का बड़ा सटीक तरीका यह होता है कि जैसा शब्द होगा वैसा कहीं ना कहीं विलोम देखने को मिलेगा नैसर्गिक है तो आपके सामने क्या होगा देखो नैसर्गिक को अगर आप कहीं ना कहीं इसे प्राकृतिक का नाम दे देते हैं प्राकृतिक प्राकृति कह लीजिए या प्राकृतिक कह लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा ये चीजें वो हो होती हैं जो आपके नैसर्गिक प्राकृतिक जो होती है भगवान के द्वारा बनाई गई हैं लेकिन मानव अपने मानव अपने हिसाब से बना देता है आप देख रहे हैं कहीं कहीं पुल बन जाता है लेकिन नदी नहीं बनती नदी पहले से ही प्रकृति की देन है लेकिन पुल को बना लिया जाता है जो मानव के द्वारा काम किया जाए मेरे भाई कृत्रिम के अंतर्गत आता है प्राकृतिक यहाँ पर गलत होता है आविर्भाव तिरोभाव के लिए होता है आविर्भाव यहाँ पर तिरोभाव तिरोभाव मैंने यहाँ पर क्या किया तिरोभाव लिख दिया तिरो भाव और यहाँ पर तिरुभाव लिखते ही राजा के लिए हमने कहा कि राजा के लिए कभी भी पर्यायवाची आपका नहीं पूछता कई बार देखने को मिल जाए वो बात अलग है लेकिन याद रखना राजा का विलोम जरूर पूछता है और इसका विलोम सिर्फ एक होता है रंक होता है ऑप्शन में अगर रानी दिया हो दरिद्र दिया हो गरीब दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता पहले देखना कि रंक है कि नहीं है रंक नहीं है तो रानी के साथ जाना लेकिन अभी आपको उत्तर की तरफ ले जाने से पहले जानकारी पड़ता बस ये है कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट है नंबर तीन कर रहा है जिसे ईश्वर में विश्वास है ईश्वर का मतलब भगवान होता है और भगवान में अगर विश्वास है तो आप कहीं ना कहीं आस्तिक हैं अगर भगवान में विश्वास नहीं है तो आप नास्तिक हैं ये बात आपको पता है लेकिन यहाँ पर भगवान दिया है मैंने कहा ठीक है भक्त दिया है कोई बात नहीं आस्तिक दिया है जो कि हमें ईश्वर से संबंधित कर रहा है विश्वास वाली बातें कर रहा है विश्वास है तो आस्तिक है नहीं है तो नास्तिक है ये आपको पता है राइट right ऑप्शन चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ जो कि वहां पर आपका सी सही था रिक्त स्थान को उचित करके भैया शब्द पूर्ति करना है मतलब उसको भरना है और सिंपल में अगर बात करूं तो रिक्त स्थान की पूर्ति ठीक है, है अच्छा जी यहाँ पर है कि यह काम स्पेस दिया हुआ है कोई नहीं कर सकता मैंने कहा ऐसा कौन सा काम है भैया जो कोई नहीं कर सकता मैंने कहा कि मैं बैल वे हर ठीक है मैं यह काम मैं कोई मैं नहीं वेल कोई वे कोई ठीक है यह काम हर कोई नहीं कर सकता बात तो सही कहा है ऐसा हर बात देखने को मिलता है कि हर काम कोई नहीं कर सकता स्पेशलिस्ट लोग करते है उसके। हैं उसके जो स्पेशल हैं उसके स्पेशलिस्ट हैं आप कर लेंगे विशेषज्ञ होना पड़ेगा अच्छा जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है कई बच्चा कंफ्यूज होता है सर इसमें ऐसा होगा क्या क्या उत्तर लगाऊ मेरे भाई आपको मुझे पता है किसी व्यक्ति वस्तु की बात करें या फिर स्थान की बात करें एक विशेष के लिए बात करें तब व्यक्ति के साथ जाना है लेकिन एक पर बात किसी प्रकार की एक ही प्रकार की मतलब जैसे मैंने कह दिया कि नदी है नदियां कह दिया कोई बात नहीं है पता नहीं चल रहा है पेन है पता नहीं कौन सा तो ये चीजें जाति वावच में काउंट होते हैं याद रखना जाति के अंतर्गत काउंट होते हैं भाव भावता जो केवल केवल क्या किया जाता है महसूस किया जाता है जो चीजें आपके महसूस किए जाए फिल किए जाए वो क्या कहलाते हैं आपने कहा कि भाववाचक के अंतर्गत काउंट करेंगे समूहवाचक क्या होता है जो चीजें आपको समूह के द्वारा दिखाई दें जैसे आप कहते हैं मेला क्या होता है संगठन क्या होता है भीड़ क्या होता है समूह में आता है भाववाचक वही होता है जो केवल महसूस किया जाता है फीलिंग किया जाता है जो आपके भैया आंखों से दिखाई नहीं देता केवल क्या होता है महसूस हो जाता है हाथों में पकड़ा भी नहीं जाता ना मोहब्बत न जवानी न बचपन पकड़ा नहीं जाएगा वीरता भी नहीं पकड़ा जाएगा इसलिए क्या है वो भाव है जातिवाचक वह होता है आपने देख लिया परिभाषा के तौर पर देख लिया ये बात आपको पता होना चाहिए जो दुनिया में चीजें अकेले होती है उसे क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक जो दुनिया में चीजें और होती हैं उसका नाम जातिवाचक होता है क्वेश्चन नंबर सिक्स है नैना ने डंडे की सहायता से आम तोड़े मैंने कहा कि खूब तोड़ा हुआ है भैया आपने भी तोड़ा हुआ है अगर आपका नैना नाम नहीं है तो मैना तो होगा तो आप तोड़े होंगे रेखांकित कौन है ये डंडे की सहायता से शब्द में कौन सा कारक है कारक की पहचान करने के लिए एक सिंपल सा अपने पास फंडा है आप बोलेंगे सर कौन सा ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट पकड़ जाते हैं मैंने कहा कि मुझे पता है कर्ता के साथ कर्ता के साथ ने यूज किया था। आपने कहा ठीक है कर्म के साथ आपने कहा कि कोई यूज होता है मैंने कहा भाई ठीक है कर्म के साथ याद, याद रखना से द्वारा से के द्वारा यूज किया जाता है याद रखने वाली बात यहां से यह निकल के आती है कि यह किसकी बात करता है साधन की भी बातें करता है जहां पर साधन की बात हो जाए वह क्या कहलाता है करण कारक कहलाता है लेकिन अपादन में भी तो सेम मिलता है मैंने कहा जरूर मिलता है लेकिन इसका कंडीशन कुछ और होता है ये अलगाव की बात करता है दूर हटने की बात करता है लेकिन यहाँ पर कोई दूर हटने की बात नहीं हो रही यहाँ पर साधन की बात हो रही है आप कहेंगे सर साधन क्या है मैंने कहा डंडे की सहायता डंडा से क्या है एक प्रकार से साधन है किसके लिए आम तोड़ने के लिए तो राइट ऑप्शन क्या है सी ऑप्शन पर छुपा था आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको पकड़ा क्वेश्चन नंबर आपके सामने होगा अब यहां पर सेवन नंबर डपोर संघ डपोर संघ इंपॉर्टेंट है याद रखना अच्छा ऐसा लगता है है नहीं बढ़िया लेकिन बहुत खतरनाक प्रश्न है आपका डपोर संघ कहते हैं डपोर संख्या ठीक है मुहावरा है डरने वाला भारतीय संघ होता है विशेष तरह का संघ होता है बेसिर पैर की बातें करने वाला बेसिर पैर की बातें करने वाला डपोर संख क्वेश्चन नंबर आपका ए आथ, आथ बहुत अच्छा लेवल का है आज जितना प्रश्न मेरे भाई करा रहा हूँ याद रखना बहुत ही इजी तरीके का प्रश्न होता है एक बार सभी के सभी बच्चे देखो जैसे से क्लास स्टार्ट हुई एक बार भी नहीं बोला कि सभी बच्चे लाइक करने मन उत्साह बनाने के लिए आपको भी पता है कि एक बार क्लास को लाइक करने से मन और उत्साह दोनों प्रॉपर काम करता है और ये जरूरी है ठीक है अच्छा अमृत दिया है अमी दिया है पीयूष दिया है मैंने कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप कहेंगे सर क्यों प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए गुरु जी ऐसे ही इंपॉर्टेंट का नाम दर्जा नहीं देते थे कहीं चीजें जब अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं तो उसे नाम दिया जाता है ये अमृत की बात आती है चाहे आपकी अमी की बात आए चाहे पीयूष की बात आए चाहे सुधा की बातें आए ये क्या होते हैं हमेशा हमेशा की तरह अमृत के पर्यायवाची होते हैं मैंने कहा राकेश के लिए इसके लिए राकेश आपने मना कर दिया सर राकेश चंद्रमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है मयंक हो गया आपने कहा मैं लिख दू मैंने कहा ठीक है भाई कुछ चीजों को लिखता हूं मैंने कहा कि चांद हो गया सुधाकर हो गया सुधाकर हो गया और साथ ही साथ यहां पर हिमांशु हो गया ये चीजें याद रखने वाली बात है याद रखना हिमांशु ही। हो गया इंद्र होता है ये सुरेश इंद्र के लिए है इंद्र की बातें करता है जहर होता है विष के लिए होता है विष के लिए होता है आपका डी ऑप्शन क्या होता है करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर नाइन है जो बहुत बातें करता है जो बहुत सारा बातें कर ले बड़, 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 दिन भर करे करे बहुत सारा बातें तो देखते हैं क्या है वचनी होता है बहुज्ञ बहुज्ञ होता होता है है बहु ज्यादा बहुत जानने वाला बहु ज्ञान वाले बात कर रहा है ज्ञान वाली बातें यहां नहीं चल रही है जो बहुत बातें करता है बातूनी की बात निकल के आती है या जो ज्यादा बोलता है उसे क्या कहते हैं वाचाल का नाम दिया जाता है ज्यादा बोलने वाली बात जब आती है दस दस नहीं चलेगा किसी का पता है स्वर संधि के आपके दिया स्वर संधि के प्रकार हैं अच्छा स्वर संधि का प्रकार से कौन सा है आपको भी पता होना चाहिए स्वर संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं यह आपका स्वर संधि नहीं है हो नहीं है संधि दिमाग में बैठा हुआ है स्वर संधि के भी जानते हैं प्रकार होता है पांच प्रकार का होता है ये आपको पता होना चाहिए लेकिन आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है दिमाग में चीजें स्ट्राइक कर जाते हैं कभी कभी यहाँ पर स्वर संधि नहीं है स्वर ध्वनिया है वही होता है जो आपको सुनाई दे भाई साहब एक आपको याद रखना है कि दीर्घ आता है पुलुत आता है हर्ष आता है हर्ष को ही क्या कहते हैं मेरे भाई लघु का नाम देते हैं कभी कभी एग्जाम में है लघु पुलुत तो दीर्घ क्या है ये सब क्या है उपरुक्त -उप में से तीनों के क्या है करेक्ट ऑप्शन की तरफ क्वेश्चन नंबर ग्यारह तंग होना मुहावरा का सही अर्थ आपको बताना है हैुलिया तंग होना मजाक होना लज्जित होना अपमान होना परेशान परेशान नहीं परेशान होता है बहुत अच्छा आपने बताना है कौन सा उत्तर करेक्ट ऑप्शन की तरफ ले जाएंगे और सटीक उत्तर की तरफ जाना है परेशान होना खुलिया तंग होना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ सटीक याद रखना कभी भी जीवन में अगर आप किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही साथ आप याद रखना कभी किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं आप अभी युवा हैं मैं उम्मीद करता हूं तो मेरे भाई आप इसी अवस्था में जो चीजें सीख गए ये आपके जीवन के लिए हो जाती है पर्याप्त तो आपको ऐसा ही काम करना है तरीके से सीखना है कोई चीज और बार बार चीजों को नहीं पढ़ना है दुनिया में बस भाई साहब आप ऐसे इंसान है जो आपके अंदर गुण है और किसी के अंदर है ही नहीं तरीका से एक बार पढ़ाई पढ़ना है एक हजार बार बताए आपको क्वेश्चन नंबर बारह कह रहा है मौखिक शब्द का विलोम क्या होता है चाहे आपसे विलोम पूछा जाए चाहे विपरार्थक पूछा जाए ये मतलब दोनों एक ही है इसका मतलब जरा सा परिवर्तन नहीं है हमें बताना है मौखिक मौखिक क्या है भाषा आप पढ़ते हैं जब आप लोग भाषा पढ़ते हैं तो भाषा क्या होता है आपको मैं बता देता हूं भाषा वही होता है जो विचारों का आदान प्रदान होता है उसी को कही न कहीं ना कहीं भाषा कहा जाता है ठीक है सर इतनी बात क्लियर हो चुकी है लेकिन भाषा के भी ये पता चला कि परिवार होते हैं तीन प्रकार का होता है कौन कौन होता है एक तो आप जो बोलते हैं आप वह मौखिक हो गया जो लिखते हैं वो लिखित हो गया जो संकेत के माध्यम बताते हैं सांकेतिक हो गया तो ऑप्शन में यहाँ पर क्या हुआ अंधकार अपने आप कट गया है पठित अपठित के लिए होता है प्रकाश हो जाता है अपठित होता है कथित अकथित के लिए होता है

अनिल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है अनिल का पर्यायवाची अनिल की अगर बात करूं तो इसका मतलब होता है अनिल का दोस्त होता है पवन अनिल का दोस्त कौन होता है पवन और पवन का दोस्त क्या होता है हवा इसके अंतर्गत बनता है तो यहां पर अनल क्या होता है आग के लिए होता है अनल क्या होता है मेरे भाई ये आग के लिए होता है और यहां पर क्या होता है करेक्ट ऑप्शन ये हो जाता है पावक राक्षस से काम नहीं चलेगा मेरे भाई उत्तर की तरफ जाना था और सटी ऑप्शन की तरफ जाना था ठीक है चलिए थोड़ा सा आगे तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौदह है दिए गए शब्दों में से आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न मेरे भाई बनते रहते हैं देखिए पयोनिधि दिया हुआ है पयोनिधि दिया है एक्चुअली में करेक्ट कौन, कौन सा होगा ये दोनों में से एक ही करेक्ट होगा पयोनिधि होता है बाकी इनसे काम नहीं चलता है अब पयोनिधि कौन सा सही लिखा हुआ है कौन सा करेक्ट लिखा है ये आपको बताना है याद रखना पयोनिधि होता है ये ऑप्शन क्या लिखा है एकदम सही लिखा है समुद्र की बातें याद होंगी आपको समुद्र की बातें याद होती हैं समुद्र के अंतर्गत चीजें बनती हैं सागर वाली कहानी यहीं से बनती पंद्रह का है कि अब आपके सामने मनोज गीत गा रहा था ठीक है मैं उसके कमरे में गया और उसके कमरे में पता चला भैया सूर लगा के बढ़िया से गाना गा रहा था लेकिन जब मैं बाहर आया तो पता चला किसी ने मुझसे पूछा कि भैया मनोज क्या कर रहा था मैंने कहा भैया ऐसा है जब मैं गया था तो क्या कर रहा था गीत गा रहा था अभी बात क्लियर है मैं बोला बात पूरा पूर्णतः क्लियर नहीं है कि गा रहा भैया जब मैं था तो गा रहा था लेकिन अब पता नहीं कि बंद कर चुका है ये मुझे नहीं बताया लेकिन जब मैं गया था तो वहां पर काम क्या हो रहा था खूब बढ़िया से काम कर रहा था तो बात यह है कि पूर्ण बातें अभी नहीं है सामान्य की बात नहीं है आसन की कहीं नहीं की गई हैं अभी बात अधूरी है यानी कि अपूर्ण है बहुत अच्छे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का उत्तर ना इतना सटीक तरीके से रहा कोई जरा सा जरा सा सा उसमें त्रुटि त्रुटि नहीं नहीं हो क्योंकि आप चीजों को अब सीख गए हैं सफेद घोड़ा जीत गया मैंने कहा कि ठीक है कौन सा घोड़ा जीत गया आपने कहा सफेद जीत गया लेकिन यहां पर बात आ गई है कि विशेषण क्या होता है मैंने कहा कि विशेषण नाम का दुनिया में कुछ चीज है ही नहीं आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो मैंने कहा कि विशेषण वही होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता पे बात कर ले वह क्या कहलाता है विशेषण कहलाता है तो यहां पर विशेषण क्या होता है हाँ बात करते हैं घोड़ा क्या है घोड़ा एक नाम है और नाम की भी विशेषता बताई जा रही भैया वो सफेद है तो सफेद का होना क्या गया? पाया गया विशेषण पाया गया तो राइट ऑप्शन यहां पर ये यह दिया गया था जीत गया ये कोई विशेषण नहीं है कोई भी विशेषण रंग की बातें कर रहे आकार की बात कर स्वार्थ की बात कर सब होता है भेद छिपाने के अर्थ में निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग होता है भेद छिपाना भेद छिपाना सिंपल से भेद छिपा लो भैया आप अच्छी बात अपना उल्लू सीधा करना अंटी मारना ठीक है अंधेरे में रखना कोई चीज आप अंधेरे में रखते हैं कोई चीज भी आप अंधेरे में जब रखते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं आप बोलते हैं भैया भेद को छिपाने वाली बात आती है कई बार भेद को छिपाना भी जरूरी होता है तो जैसे कि आप लोग छिपा भी रहे होंगे ठीक लेकिन वो काम नहीं करना है हिंदी भारत की कौन सी भाषा है देखो यहां से प्रश्न बच्चा यहाँ पर अभी तक ये जानता है नाइनटी नाइन परसेंट नहीं कर सकता हूं लेकिन नब्बे परसेंट बच्चा ये होता है उसको ये पता होता है कि भारत का भी जो होता है ना हिंदी भा, भारत ही ना राष्ट्रभाषा है ये उसको पता होगा ये उसको पता होगा लेकिन एक बात क्लियर जानते रहना राष्ट्रभाषा आज तक अपने हिंदुस्तान में कभी बना नहीं मेरे भाई यहाँ पर आपका ब्रज भाषा तो हो ही नहीं सकता राष्ट्रभाषा होगा ही नहीं ये हंड्रेड नहीं होगा ठीक है राजभाषा होता है और राज्य भाषा भी नहीं होता राजभाषा होता है ये भी होगा कि ये होगा मैंने कहा नाना जिंदगी में सब कुछ याद करो ये वाला भैया आपको कट आउट करके ये वाला याद रखना है राजभाषा होता है राज्य भाषा भी नहीं होता है क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा प्रश्न था याद रखना बहुत अच्छा प्रश्न पंक किसका पर्यायवाची है पंक 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 किसका पर्यायवाची है भाई पंक भी किसी का पर्यायवाची होता है क्या हा हा पंक होता है पंकज का होता है अच्छा जी पंकज के लिए मैंने पर्यायवाची बना दिया पंकज मैंने कहा कि पंकज हो गया पंकज हो गया सर इसी को अगर कमल कह दूं मैंने कहा कि कमल कमल कह दो सर इसी को जलज कह दो मैंने कहा जलज हाँ कह दो कोई दिक्कत नहीं तो आपकी बातें यहां से निकल के आ गई हैं कि भैया आपका जो कीचड़ वाली बात आ गई कमल कहा खिलेगा आपने कहा कीचड़ में खिलेगा राइट ऑप्शन है पंक के लिए कीचड़ का इस्तेमाल हो गया जल के लिए आपको मालूम है कि आप इसे नीर और पानी का कहना पसंद करते हैं मैंने कहा ठीक है आकाश को क्या कहते हैं आपने कहा सर अर्ण हम इसी को अर्णव का नाम दे देते हैं अर्णव को क्या कहते हैं मैंने कहा कि इसी को सागर भी कहते हैं इतना बात क्लियर है लेकिन यहां से बात निकल के आई है आकाश क्या होता है मैंने कहा इसको व्योम जानते रहना व्योम बार बार पूछा जाता है अगर व्योम से प्रश्न नहीं बनता है तो शून्य से प्रश्न बनता है जो आपको पता भी है सर मैंने कहा कि राइट ऑप्शन की तरफ मुझे जाना है मैंने कहा कि तीन ऑप्शन ऐसे हैं पहले जिसको कट करना है आपको और राइट ऑप्शन अपने आप निकल के चला आता है ठीक है बहुत अच्छा पढ़ाई करना मेरे भाई टाइम के अनुसार जुड़ा करो देखो आप प्रैक्टिस अगर रोज रोजा कर रहे हो अगर मैं आपके सामने हूं ना मेरे भाई प्रैक्टिस बस कर रो और कुछ भी नहीं रखा दुनिया में सर कहते ना रामबाड़ दुनिया में सर क्या है मुझे जरा समझाना दुनिया में कुछ है ही नहीं मेरे भाई बस प्रैक्टिस से ही आपका रामबाड़ में कन्वर्ट हो जाता है बाद में पीस, पीस, पीस वाले प्रश्न देखिए बीस वाला प्रश्न हम थोड़ा सा देखते हैं क्या है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपरयुक्त तो शब्द का चयन करें वह गरीब होकर भी स्पेस दिया है है गरीब है ईमानदार है परेशान है चलांक है मैंने कहा कि वह गरीब होकर भी गरीब है नहीं वह गरीब होकर भी ईमानदार है गरीब है और ऊपर से ईमानदार है कई बार कहते हैं ना भैया वो भले से गरीब है यार लेकिन ईमानदार इंसान तो है मैंने कहा हाँ बात क्लियर कह रहा है बात क्लियर कह रहा है और क्लियर ही कहे तो आपका रिश्ता भरा जाता है वह कवि जो तत्काल कविता करे तत्काल रचना करे या आपका करे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपने कहा कि वह कवि जो तत्काल रचना करे वह कविता करे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें मालूम है कि वह कवि जो तत्काल रचना की बात आए कवि की बात है कविता की बात आए बस एक बात याद रखना कवि रस सिद्ध कवि महा कवि वाला ये मुझे नहीं पता है लेकिन एक बात मुझे पता है कि सर उत्तर इसमें दिया नहीं है क्योंकि जो तत्काल रचना करता है उसे आंसू कवि के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानिए यहाँ पर नोट करिएगा आंसू कवि के नाम से हम उन्हें क्या करते हैं आंसू कवि के नाम से हम उन्हें जानते हैं आंसू कवि याद रखना है आंसू कवि के नाम से हम लोग उन्हें जानते हैं ऑप्शन नहीं दिया था कोई बात नहीं 20. बिजली का पर्याय पर्याय का मतलब पर्याय वाची ठीक है पर्याय वाची ढूंढते हैं किसका बिजली का बिजली का पर्याय वाची बहुत ही सिंपल है देखिए अगर आपसे कहूं कि बिजली क्या होता है आपने कहा सर विद्युत होता है मैंने कहा ठीक है लाइट आपने कहा ठीक है मैंने कहा है बहुत अच्छा दामनी हाँ होता है सौदामिनी हाँ होता है कुछ चीजों को लिखता हूं जिससे आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए वो सेटअप बनाएंगी जिसे सौदामिनी बार बार आता है सौदामिनी बार बार एग्जाम में आता है मैंने कहा कि तड़ित कभी देखने को मिलता है हाँ खूब दिखता है विजली आपका सामने दिया था जो कि बार बार आता है और यहाँ पर बहुत सारा आता है जैसे कि आपने यहां पर दामनी देखा हुआ है ये भी दामनी इसी के अंतर्गत आएगा विद्युत है है विद्युत विद्युत की बात भाई यहीं पर लिख लो ना चलिए मैंने इतना किया और राइट ऑप्शन की तरफ चले गए आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर आछ मूल कथा में आने वाला प्रसंग जो होता है उसे क्या कहते हैं एक शब्द आपको बताना है के लिए आपको एक शब्द आपके एग्जाम में पूछाता है के लिए एक शब्द आपके एग्जाम में पूछा था बता क्या होता है आपने कहा कि सर अंत कथा होता है कथेतर कत, होता है कथाकार होता है कथनी होता है अकथनी कथन होता है जो कहा जाए जो न कहा जाए ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता दो ऑप्शन कट कर दिए नाम का जिक्र नहीं है जो मूल कथा में आने वाली मूल कथा वाली बात है अंत कथा उसे हम कहते हैं अंत कथा उसे हम कह देते हैं ठीक है उम्मीद करता हूं भाई अब तक जितना बताया सब दिमाग में एकदम सेट हो चुका होगा अच्छे तरीके से हो गया होगा और ऐसे ही तो जीना है ऐसे ही तो सीखना ही है ठीक है बहुत बढ़िया चलिए चौबीस नंबर आपके सामने होता है चौबीस नंबर वाला प्रश्न आपके जब सामने आया तो रजनी दिया है शब्द का पर्यायवाची नहीं है रजनी का पर्यायवाची नहीं होना चाहिए बच्चा मुझे मालूम है कि कंफ्यूज होगा क्योंकि एग्जामिनर चलांक होता है ए और बी सी डी एम के बाद भाई सब जो यल आ जाए कोई दिक्कत नहीं होता बच्चे को परेशान करने के लिए कभी कभी काल क्या करता है ये कां कांक नहीं लिखा है काक लिखा हुआ है ठीक है कांक लिखा काक काक मतलब कौआ वाला रजनी से कौआ से काम चलेगा आपने कहा सर रजनी से कौआ का काम तो नहीं चलेगा मैंने कहा कि ठीक है आप जरा सोचना यहाँ पर और ऑप्शन क्या हो सकता है उत्तर के तहत तो मैंने कहा कि सर ऐसा है कि यहाँ पर आपका ए भी नहीं हो सकता यामा के अंतर्गत बात है, नहीं बन रही थी अच्छा जी रजनी का प्रयावाची हो ये तो होता है तमसा होगा लेकिन ये तो दोनों होते हैं तमसा और यहाँ पर यामा ये रजनी के प्रयावाची बात करता है लेकिन यहाँ पर आपके बात निकल के आ रहे हैं कौन सा नहीं है तो कौआ नहीं है और चंद्रिका नहीं है यानी कि ए भी तो सही है और कहीं ना कहीं सी भी करेक्ट है पच्चीस मैं प्रेमचंद्र की कहानी स्पेस दिया है भविष्य काल की दृष्टि से रिक्त स्थान के लिए उचित बनाना है मतलब कहने का मतलब जो आपको रिक्त स्थान कहा है वहां पर आपको करना क्या है भविष्य काल के बारे में वहां पर जिक्र करना है सर भविष्यकाल होता क्या है मैंने कहा कि जो कुछ भी आगे की बात की जाती है वह भविष्यकाल होती है जो बीत गया है वो भूतकाल कहलाता है जो चल रहा है वो वर्तमान है जैसा कि मैं आप सभी के सामने भी पढ़ा रहा हूं मैं प्रेमचंद की कहानी एक कहानी एक कहानी पढ़ूंगा आगे की बात कहा है पढ़ रहा हूं ठीक है पढ़ चुका बीत चुका है और तो चल रहा है पढ़ता था ये भी बीत चुका है आपने कहा कि सर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मैंने कहा कि केवल ए ऑप्शन होगा क्यों होगा सर यहां पर कहा है कि भविष्य काल में कन्वर्ट करना है मेरे भाई अब आते हैं बात करते हैं कुछ फौजी बैच पर फौजी बैच वही बैच है जिसने आप सभी को दिए है मेरे भाई हजारों सिलेक्शन याद रखना ये वही क्लासेस हैं जो आपके ऐप पर मौजूद होते हैं चाहे यहाँ पर सिपाही बैच की बात करी चाहे बिहार एसएससी स्पेशल दिल्ली पुलिस राजधानी बैच की बात कीजिए ये क्लासेस आपके ऐप पर बड़े अच्छे तरीके से हैं क्या छब्बीस नंबर का प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है हाँ देखो मैं प्रैक्टिस जब कराता हूं तो आप अपनी कॉपी में एक चार्ट बना दिया करो चार्ट्स बना लिया करो सर जितना गलत है उतना गलत है जितना सही है उतना सही है जो गलत हो गया गलत हो गया जो नहीं आया छोड़ दिया ये चीजें करते आप चला करो इससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और यही एक तरीका है जिससे आप डायरेक्ट उत्तर की तरफ जाएंगे और सही दिशा में जाएंगे और नंबर भी काफी ज्यादा इससे मिलने की संभावना फिर बढ़ जाती है ठीक है शब्द रोगी रोगी कौन सा विशेषण क्या होता है विशेषण क्या होता है विशेषण के चार भेद होते हैं विशेषण के क्या होते हैं आप कहेंगे सर चार भेद होते हैं मैंने कहा कि कौन कौन भैया आपने पूछा कौन कौन मैंने कहा कि ऐसा है विशेषण के जो चार भेद होते हैं गुणवाचक होता है संख्यावाचक होता है परिमाणवाचक होता है सार्वनामिक वाचक भी विशेषण बन के आ जाता है लेकिन यहां से बात निकल के आती है कि रोगी के बारे में नॉलेज लेना चाहता है वो तो जब भी आपके ना कहीं भी गुड़ की बात करें गुड़ का मतलब ये देखो संख्या रोगी कोई संख्या है ऐसे ही कट गया प्रति विशेषण का नाम मैं बताया नहीं बताया सर्वनामिक कोई होता जो सर्वनाम सर्वनामी जैसा काम करता है आप कही यह हुआ ये चीज आप क्या रही थी यहाँ पर पूछा था रोगी रोगी कोई सर्वनाम वाला काम कर का रहा ना ना का दिया ऑप्शन यहाँ पर काट दिया तीनों का ऑप्शन यहाँ पर आता है गुड़वाचक जो गुड़ के बारे में रंग की बात करे आकार के बारे में बात करे स्वाद के बारे में बात करे दशा की बात करे भैया दशा रोगी है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है आपने कहा केवल केवल बी ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन की तरफ हम लोग चले हैं और थोड़ा सा कवर करते हैं ट्वेंटी सेवन वाले प्रश्न को जिसकी गणना न हो सके जिसकी गणना ही न हो सके एक दो तीन चार पांच न हो अगणनी होता है गढ़नी यहाँ दिया गणना कर लेंगे गढ़नी का मतलब गणना कर लेंगे लेकिन मतलब नहीं कर पाएंगे तो यहां पर डी पर दिया था अपार अपरमिति या फिर अनंत से काम नहीं चलता जिसका अंत न हो उसे अनंत करते निम्नलिखित में से वाक्य में आपको बताना है शुद्ध का पहचान करना है शुद्ध की पहचान करना है ये वाक्य से प्रश्न आपका बनता है यहां पर चार तरीके से आपके सामने दिए गए हैं आपको इसका क्या बताना है उत्तर बताना है कौन सा होगा आपका पत्र स धन्यवाद मिला ना, ना ना आपका पत्र मिला उसके लिए क्या होता है बहुत बहुत धन्यवाद बात क्लियर कहा है और यहाँ पर पे स्पेस भी है ये यह बात यहाँ तक कहानी खत्म होती है ये पूर्व विराम लगाया धन्यवाद कहा बात सही कहा हुआ है आपका पत्र धन्यवाद नहीं भाई साहब स धन्यवाद से काम नहीं चलेगा धन्यवाद से काम चलता है किसी को धन्यवाद धन्यवाद है निम्नलिखित में से आपको बताना है देशज शब्द क्या होता है देशज शब्द क्या होता है मैंने कहा कि जो भैया ऐसा है जिनकी उत्पत्ति का स्रोत नहीं पता होता है उसे क्या है? कहते हैं देशज शब्द कहते हैं आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा शब्द है आपके घर परिवार में मेहमान आते हैं तो पाप, पापा हो गए या फिर मम्मी हो गई कोई भाई बहन हो गए अरे जरा एक लोटा पानी लेना लोटा क्या है एक देशज शब्द है लेकिन यहीं पर बात निकल के आती है सर एक जिला दिया है मैंने कहा यह अरबी के अंतर्गत निकल के आएगा अरबी के अंतर्गत निकल गया है टिकट क्या है आपने कहा सर टिकट टिकट तो अंग्रेजी के अंतर्गत निकल के आएगा मैंने आपको बताया कि मेरे भाई ऐसा है कि आपके सामने बस एक बात याद रखना है कि जो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके उत्पत्ति का हमें स्रोत नहीं पता होता कोई ऐसा शब्द है जो ऑटोमेटिक आ चुका है आप आम बोलचाल भाषा में इस्तेमाल करते हैं लोटा बोलते हैं जूता बोलते हैं तेंदुआ बोलते हैं फटाफट का ये काम करो खिचड़ी बोलते हैं खिड़की बोलते हैं ये सब क्या है आपने कहा कि सर ये तो अपना तेंदुआ है, लेकिन तेंदुआ का तो तो का नाक कान।, नाक कान में कौन सा समास है समास की पहचान करने के लिए दो सेकंड का अंदर है। दो सेकंड के अंदर बच्चा पहचान सकता है अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं आप सोचेंगे सर विकास सर में इतना क्या क्वालिटी होता है मेरे भाई क्वालिटी नहीं होता मैं आपके सामने न होता यहां पर दिया है कि समास में केवल दो सेकंड की आप पहचान कर सकते हैं सर पहचान करो तो करो कैसे मैंने कहा नाना टेंशन लेने की जरूरत किसी और को हो परंतु आपको नहीं होना चाहिए आपसे कहा गया कि द्विगु समास क्या होता है द्विगु समास के लिए पढ़ाई पढ़ने के दिमाग लगाने की जरूरत जरा सा भी नहीं है आपने कहा कि सर ऐसा क्यों है मैंने कहा मेरे भाई जो चीजें ना आपके संख्या होती हैं जो चीजें आपके संख्या में होती हैं वो क्या कहलाती हैं आप कहेंगे सर यह जो होता है वह हमेशा हमेशा द्विगु समास कहलाएगा तत्पुरुष क्या होता है जो चीजें कारक चिन्ह का लोप होता है जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाए लोप का मतलब छुपा हो और जहां पर लोप का होना पाया जाए वही क्या होता है तत्पुरुष समास कहलाता है कई बार आपने सुना होगा भैया ऐसा है कि रसोई घर तो रसोई के लिए घर होता है जो के लिए आया वही कारक चिन्ह का लोप था देशभक्ति देश के लिए है भैया भक्ति जो वही देशभक्ति है तो कारक चिन्ह का ऐसा लोप मिलता है अब भाव में क्या होता है दोनों पद क्या होंगे भैया प्रधान नहीं होते मेरे भाई इसमें पूर्व पद होता है जो वही प्रधान होता है अपूर्व का मतलब होता है पहला और कहीं कहीं तो आपका उपसर्ग से भी काम चल जाता है उपसर्ग से भी काम चल जाता है जिसमें आप सभी को मालूम होता है जिससे आपके सामने लिख दिया जाए प्रति एक प्रति एक में कौन सा समास है मैंने कहा कि भैया कुछ दिमाग मत लगाओ एक क्या है आपने कहा कि मूल शब्द है और मूल शब्द के आगे का क्या कहलाता है आपने कहा उपसर् कहलाता है उपसर्ग की कहानी क्या बताती है अब्याई लेकिन कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा था दोनों समास की तरफ मुझे जाना मजबूरी पड़ गया और यहां पर यह कह रहा है कि दोनों जो पद होंगे दोनों पद जो होंगे वो आपके क्या होते हैं प्रधान होते हैं प्रधान का मतलब क्या होता है जिसका कोई ना कोई मेरे भाई अर्थ होता है जिसका कोई ना कोई, कोई अर्थ होता है लेकिन बच्चा आप हमसे पढ़ रहे हैं तो बच्चा सोचेगा ना सर गुरु जी ऐसा तो मैं भी कर सकता है दोनों पद प्रधान होते हैं ये क्या है मैंने कहा नाना इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है बस एक बात जुगाड़ याद रखना कि कोई चीज अगर एक दूसरे का उल्टा लिखा हुआ है तो क्या कहलाता है आपने कहा डायरेक्ट द्वंद्व कहलाता है मैंने कहा कि यहां पर नाक लिखा है यहां पर क्या लिखा है कान लिखा है ये एक दूसरे क्या है अपोजिट है मैंने कहा कि यहां पर मैंने भाई लिखा हुआ है और यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है बहन लिखा हुआ है एक दूसरे का क्या है उल्टा है क्या कहलाएगा कहलाएगा मैंने कहा कि मेरे भाई यहां पर मैंने रात का जिक्र किया हुआ है यहां पर मैंने दिन का जिक्र किया हुआ है एक दूसरे का क्या है उल्टा है मैंने कहा पृथ्वी लिखा हुआ है मैंने कहा भैया आकाश लिखा हुआ है ये क्या है उल्टा है चले आगे की तरफ इकतीस फिसलन है फिसलन क्या है फिसलन क्या है विशेषण है क्रियापद है या भाववाचक संज्ञा है या क्रिया विशेषण है आपको बताता हूँ कि क्रियापद से आपका काम नहीं चलेगा क्रिया का कोई पद यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है विशेषण वही होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है सर तो यहाँ पर फिसलन कोई विशेषता नहीं बता रहा है संज्ञा है ही नहीं मेरे भाई तो मैंने कहा ठीक है लेकिन एक प्रकार का जरूर संज्ञा है कि संज्ञा में भी एक प्रकार का होता है संज्ञा पांच होता है आपको पता है लेकिन उसमें एक भाव निकल के आता है ये भी पता है लेकिन चीजें जानते हैं पहले चीज़ें समझते हैं पहले यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या होता है क्रिया की जो कुछ विशेषता बताई जाएगी वह क्या होगी क्रिया विशेषण होगी और क्रिया विशेषण की बड़ी अच्छी पहचान ये होती है कि उसमें क्रिया का होना जरूरी है मैंने कहा कि सर मैंने ऐसा किया कि दो ऑप्शन को यहाँ पर क्या किया मैंने तीन ऑप्शन को क्या किया कटआउट कर दिया मैंने कहा कि जो बचता है उसी को हम क्या कर लेते हैं उत्तर मान लेते हैं भाववाचक संज्ञा वही होता है जो हमें अपने आंखों के सामने भैया आंखों से दिखाई नहीं देता है केवल क्या होता है महसूस की जाता है महसूस भैया महसूस केवल क्या करोगे महसूस करोगे महसूस का मतलब केवल केवल उसको फिल करोगे वही क्या कहलाएगा आपका भाववाचक संज्ञा कहलाएगा लेकिन आप कहेंगे सर बात नहीं समझ में आ रही मैंने कहा कि आपके हाथों में जो पकड़ा न जाए जो चीजें नहीं पकड़ा जाती वही क्या होती हैं भाववाचक संज्ञा होती हैं मेरे हाथ में ये मेरे पास रिमोट है ऐसे उड़ रहा था मैंने इसको पकड़ लिया लेकिन जैसे ही पकड़ा तब ये भैया आपका कभी भी भाववाचक नहीं कहलाएगा लेकिन यही बात आती है जरा इस जवाने को पकड़ दिखाओ मोहब्बत प्रेम वीरता क्रोध को पकड़ दिखाओ चिंता हो रही है उसको पकड़ दिखाओ फिसलन कोई फिसल गया उसको पकड़ दिखाओ जो हाथ में न पकड़ा जो वही क्या कहलाता है भाव वाचक संज्ञा कहलाता है बत्तीस दिए गए शब्द का आपको बताना है समाज समाज पहचान करने के लिए आपके सामने होता है प्रतिदिन अभी जस्ट बता के लौटा था उदाहरण के माध्यम से कि प्रतिदिन में एक्चुअली में कौन सा समास होगा करण तत्पुरुष होगा nah, कर्म यहाँ पर होगा अव्यय भाव समास होगा ये करण जो आता है कर्म जो ये जो चीजें आ रही हैं ये किसके अंतर्गत आ रही है ये तत्पुरुष समास जो होता था तत्पुरुष जो आपका समास है उसी के अंतर्गत ये चीजें निकल के आ रही हैं उसी में आपका ये ये यूज किया जाता है लेकिन यहाँ पर अव्यय भाव दिया हुआ था जिसमें आपका चीज उपसर्ग से काम चल जाता है जिसमें आपकी चीजें उपसर्ग से काम चल जाती है पूर्व पद यानी पहला पद क्या होता है मेरे भाई प्रधान होता है दुर्ग क्या होती है चीजें संख्या होती हैं चीजें क्या होंगी संख्या में होगी क्या प्रतिदिन कोई आपका संख्या में है आपने बोला नाना प्रतिदिन कोई संख्या में नहीं है तो मैंने कहा कि राइट ऑप्शन कहेंगे लिख दिया. आपके सामने क्या कही मैंने लिख दिया आप ही पूछा जाता कई बार कि दो, रहा. दो रहा ये चीजें क्या होती है संख्यावाची होती है. तिरंगम भी हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर संयुक्त व्यंजन से प्रश्न बना हुआ है ज्ञ वर्ड किसका योग से बना हुआ है ज्ञ जो दिया किसके योग से बना है मैंने कहा मेरे भाई ये क्या है आपने कहा कि मुझे नहीं पता है। मैंने बताया कि भैया ये इसका नाम होता है संयुक्त व्यंजन होता है आप बोले सर संयुक्त व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं मैंने कहा चार प्रकार का आपने कहा कौन कौन सा मैंने कहा एक तो छह होगा एक तो तेरा होगा एक तो ज्ञ होता है और एक आपका स्र हो जाता है मेरे भाई स्र हो जाएगा ये चार ही निकल के यहाँ से कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाते हैं लेकिन जिक्र किस पे किया है इस पे किया है नहीं इस पे किया है नहीं मैंने कहा किस पे किया है आपने कहा इस पे किया हुआ है इज्ञा का जोड़ बनाने के लिए इज्ञा का जोड़ बनाने के लिए आधा ज का इस्तेमाल करते हैं और चूल्ही वाला जो ईया होता है जो इ य वाला इसका इस्तेमाल करते हैं कहाँ दिया हुआ था मैंने बोला यहाँ पर दिया है यहाँ पर आपने बोला नाना नाना ना ऑप्शन डी और डी ऑप्शन लोगों का उम्मीद करता हूँ करेक्ट आ रहा है चौतीस दुबला शब्द में क्या है दुबला शब्द में क्या है प्रत्यय है उपसर्ग है कारक है समास है मैंने कहा कि भैया कारक की बात यहाँ पर जरा सा नहीं की जा रही है कारक की बात नहीं कर जा रही है कि आपका कारक क्या होता है समास की बातें नहीं पूछा है क्योंकि पूछा है दुबला दुबला क्या है आपको बताना है तो मैंने कहा कि सर ये उपसर्ग हो सकता है या फिर प्रत्यय हो सकता है ये अपने दिमाग से मैं सोचा कि सर ये उपसर्ग हो सकता है कि तो प्रत्यय हो सकता है दो ऑप्शन नहीं हो सकते कारक की बात और समाज की बात यहां नहीं की गई है वे प्रकार में बिना काम का चीज बस डाल दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए लेकिन दो ऑप्शन हो ही नहीं सकते उपसर्ग होगा कित प्रत्यय होगा मैंने कहा उपसर्ग क्या होता है उपसर्ग क्या होता है तो आपको बात पता बताया हूं कई बार कि मूल शब्द की पहचान करना है उपसर की पहचान करने के लिए और आगे का जो बचता है उसी को क्या करते हैं उपसर करते हैं लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रत्यय की प्रत्यय क्या होता है प्रत्यय क्या होता है प्रत्यय की पहचान करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है मूल शब्द की पहचान करनी है और पीछे का जो बसता है मेरे भाई वह क्या कहलाता है प्रत्यय कहलाता है तो यहां से एक बात यहां से ये क्लियर हो चुका है कि सर ये क्या है मुझे नहीं पता है लेकिन मूल शब्द की पहचान करना है अब आपके यहां पर आप बताइए कि दुब दुब है कि बला है आपने कहा नाना गुरु ऐसा है कंडीशन यहां पर बस एक पे अप्लाई हो रहा था मैंने कहा किस पर आपने कहा कि सर ऐसा है बला जो होता है एक मूल का काम कर रहा है दू आगे लगा हुआ है दुबला में दू क्या लगा है उपसर्ग लगा हुआ है अगर पूछा जाए क्या है तो आपने बताया सर केवल केवल उपसर्ग होगा प्रत्यक्ष अगर काम चलता तो मैं भी चला लिया होता चलिए आगे कवर करते हैं दिए गए शब्द में पर्यायवाची आपको बताना है कि कुसुम कुसुम दिया हुआ है कुसुम का पर्यायवाची आपको निर्धारित करना है बताइए अगर आप कुसुम नहीं जानते बड़ी अच्छी बात है पुष्प जानते होंगे पुष्प का मतलब क्या होता है मेरे भाई फूल होता है पुष्प का ही मतलब मेरे भाई फूल होता है लेकिन यहाँ पर कई बार पुष्कर बन जाता है पुष्कर का मतलब तालाब होता है पुष्प का मतलब फूल होता है ये इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कंटक भैया सेना के लिए यूज किया उत्तर आपको नहीं देना है कुर्म की बात और कमल की बातें नहीं कर रहे कमल एक प्रकार से फूल कुसुम का मतलब फूल होता है लेकिन कुसुम का मतलब फूल होता है और फूल एक क्या है कमल है तो कमल उत्तर नहीं देना है कमल का पर्यायवाची नहीं पूछा है कुसुम का पूछा हुआ है प्रश्न के अंतर्गत आता है याद रखने वाली बातें हैं जो कि ऑप्शन ए पर सटीक और सही दिशा में दिया गया है उम्मीद करता हूं बात क्लियर रहा होगा बहुत अच्छा लेकिन अगले प्रश्न की तरफ तो चलते हैं जो छत्तीस है कि मुझे 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 अब मुझे के बाद क्या दिया गया स्पेस दिया है कि, कि रुपए उधार चाहिए मैंने कहा कि ठीक है रिक्त स्थान में आपको बताना है संख्यावाचक विशेषण कौन सा होगा संख्यावाचक विशेषण वही होता है जो संख्यावाचक विशेषण वही होता है जो संख्या, संख्या, संख्या में लिखा हो पुराने कोई संख्या में लिखा है आपने कहा नाना ना मैंने कहा कि भारी कोई संख्या आपने कहा नहीं दो मीटर क्या है एक परिमाण है तो राइट ऑप्शन क्या है बीस मुझे बीस रुपए उधार चाहिए विशेषण ही है लेकिन कौन सा संख्यावाचक विशेषण है क्लियर बहुत अच्छी बात है चलिए नेक्स्ट उत्तर आप खुद दे दीजिएगा हाँ जो नया बच्चा होगा पुराना बच्चा होगा किसी बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है मेहनत से एक बार तैयारी करना है अच्छे तरीके से करना है चलिए बता दीजिए हे, हे, हे भगवान हे भगवान अब देखते हैं हे भगवान आपके सामने दिया गया है मैंने कहा कि कर्ता के साथ क्या यूज किया था आपने कहा ने यूज किया था क्योंकि आपसे पूछा क्या है कारक के बारे बारे में में नॉलेज ले रहा है कारक बारे में है कारक के के पूछा हुआ कर्ता साथ हम ने का चिन्ह लगाते हैं आपको पता है अपादान में से का बात होता है आपको मालूम होना चाहिए कि से के साथ साथ यह अलगाव की बात करता है अलगाव का कंडीशन जहां देखने को मिलेगा वह क्या होगा आपका अपादान होगा मैं सिर से डरता हूं मैं छिपकली से डरता हूं मैं आप भी सोच सकते हैं जो डरने की बात आए या फिर अलग होने के भाव उत्पन्न हो वह आपका हमेशा छत से बिल्ली कूद गई छत से वह अलग हो गई अलग का भाव अपादान कहलाता है उत्तर हो ही नहीं सकता मैंने कहा ठीक है नहीं हो सकता अधिकरण में क्या होता है आपने कहा कि मैं देखने को मिलेगा और पर देखने को मिलता है जो कि कंडीशन किसी पर अप्लाई नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पर दिया है हे भगवान और जहाँ पर आपका हे भगवान या आश्चर्यचकित वाली बात करता है वह संबोधन कराता है या किसी को पुकारने की बात है हे ओ अरे ये चीजें आ जाए अगर दिमाग नहीं काम कर रहा है बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए कि बिस्म्यादी बोधक का क्या होता है पहचान होता है इसके माध्यम से आप डायरेक्ट संबोधन की तरफ जा सकते हैं और आँख बंद करके देखेंगे तो यहाँ पर दिया भी रहेगा अपर्णा अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है अपर्णा हम किसके लिए यूज करते हैं आपके सामने होता है औरत होता है देवांगना होता है आराधना होता है या पार्वती होता है अपर्णा के लिए हम इस्तेमाल करने वाले अपर्णा के इस्तेमाल करने वाली बात यहाँ है से निकल जाती है इसे शैलजा भी कहते हैं याद रखना शैलजा भी इसी को कहते हैं पार्वती जी को क्लियर है बहुत बढ़िया माँ पार्वती जी हैं चलिए है। आगे चलते हैं उनतालीस बारात का तस्म क्या होता है बारात बारात अब बारात में आपको जाने का मन होता होगा क्योंकि ठंडी का समय चल रहा है आगे चलेगा पता है आपको अब बारात वगैरह देखने को मिलेगा लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहां पर बारात का क्या पूछा है तस्सम पूछा है जाहिर सी बात है कि ये क्या रहा होगा आप बोलेंगे सर ये तद्भव रहा होगा तद्भव रहा होगा तद्भव रहा होगा लेकिन तत्सम पूछा है तत्सम होता क्या है जो आपके संस्कृत के दृष्टिकोण से होना चाहिए जिनमें जरा सा परिवर्तन हो जिनमें जरा सा बदलाव ना हो चाहे वो लिखने में हो चाहे मेरे भाई चाहे पढ़ने में हो कोई परिवर्तन नहीं होता उसी को क्या कहता है आपका तत्सम रात बारात से काम नहीं चलेगा रात बारात नहीं पूछा है बात की बात वर यात्रा ही होता है करेक्ट ऑप्शन जो कि अब चालीस की तरफ चल चुके हैं हम लोग दमन दिया है दमन और दमन दो प्रकार का दमन दमन लिखा है यहाँ पर लिखा है दामन अब ये दामन क्या होता है दमन क्या होता है लेकिन एक बात पता है कि इस दमन और दामन के अंतर्गत चीजें यहाँ जब निकल के आ रही हैं तो इसका इस दामन का दामन का मतलब होता है आंचल आंचल होता है दामन का मतलब आंचल होता है लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि दमन का मतलब क्या होता है लेकिन मैंने देवता को काट दिया भाग को काट दिया मूल्य को काट दिया at क्योंकि का मालूम मतलब है।, है दामन का मतलब आंचल होता है ऑटोमेटिक ऑप्शन ए है दबाना दमन के अंतर्गत आता है इकतालीस निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है जो विलोम सही सही नहीं है विलोम की दृष्टि से सही नहीं है अच्छा जी कोई बात नहीं उग्र होता है उग्रपाति में चल आता है सौम्य है सिंपल तम होता है अंधेरा ज्योति मतलब उजाला कटु कड़वा बातें बातें करने वाला मधु मर्दु गरल, ना ना काम नहीं बना गरल, गरल से काम नहीं बना मेरे भाई गरल से काम यहां पर नहीं बना गरल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं याद रखना मैं कह देता हूं कि सुधा होता है जिसे हम अमृत कहते हैं गरल का मतलब विष होता है सुधा इसके लिए कह दिया अमृत इसी के लिए कह सकता हूं अमृत की बातें यहां से निकल गई राइट ऑप्शन क्या है डी है से सरल से काम नहीं चल रहा था ना निम्नलिखित तो में से कौन सा एक ऐसा है जो प्रत्यक्ष का विलोम नहीं है अच्छा जी ऐसा भी है पूछा जाता है क्या हाँ ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका प्रत्यक्ष का विलोम नहीं है मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है अप्रत्यक्ष इसी का होता है गुप्त इसी का होता है प्रत्यक्ष मतलब सामने की बातें और जहां सामने की बातें न हो वही आपका अप्रत्यक्ष बन जाता है ठीक है अप्रत्यक्ष भी होता है गुप्त की बातें आती है यहाँ पर प्रश्न की बातें आती हैं लेकिन सृष्टि दिया है ये सृष्टि करेगा तो कोई इसका विनाश भी कर देगा भैया आपने कहा सृष्टि बना, बनाने वाला बात करता है मैंने कहा कि ठीक है तो कहीं न कहीं प्रलय भी आ जाएगा सब नाश हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर छात्रवृत्ति मिले तो मनीष पढ़े मनीष एक लड़का ऐसा है बहुत ही डिपेंडेंट है एक दूसरे पर जब निर्भर होता है तो वही क्या कहलाता है हेतु हेतु मद काल कहलाता है निर्भर रहने वाला चीज है तो बात यहां से एक बात क्लियर हो चुकी है कि मनीष को जब छात्रवृत्ति मिलेगा स्कॉलरशिप मिलेगा तब वो पढ़ेगा नहीं तो नहीं पढ़ेगा समान भविष्य की बातें नहीं है संभाव्य नहीं है इनमें कोई नहीं एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका हेतु हेतु मत भविष्यकाल के अंतर्गत बनता है चालीस नंबर का रहा है कि विस्मय का अस्थायी बहुत अच्छा प्रश्न है विस्मय के अंतर्गत ये चीजें बन के आ जाती हैं आप बोलेंगे सर विस्मय दिया है अस्थायी भाव का रस बताना है अस्थायी भाव किस रस में होता है ये आपको निर्धारित करना है मैंने कहा ना ना टेंशन लेने की जरूरत किसी और को आपको नहीं होना चाहिए क्यों क्योंकि आपको तुक्का तर, लगाने का तरीका वो भी हंड्रेड बताता हूं हास्य के लिए क्या होता है आपने कहा कि केवल सर हास होता है मैंने कहा ठीक है शांत के लिए क्या होता है मैंने कहा भैया निर्वेद होता है अद्भुत होता है यहाँ पर विभत्स दिया है विभत्स होता है जुगुप्सा के लिए जुगुप्सा सर जुगुप्सा क्या होता है कोई चीज घृणा वाली बातें की जाती है ना घृणा उसी को क्या कहते हैं जुगुप्सा कहते हैं तो मैंने कहा कि तीन का उत्तर मुझे पता था तो मजबूरी है किसके साथ जाना अद्भुत के लिए जाना और जो कि करेक्ट ऑप्शन भी है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर आपका पैंतालीस नंबर आता है दिए गए वाक्य में शुद्ध आपको बताना है शुद्ध वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है कि नौकरी में परिश्रम करना ही पड़ता है नौकरी में से परिश्रम भाई साहब नौकरी में से परिश्रम कैसे हो सकता है जरा आप अपने मन से सोचिए कि कैसे हो सकता है उत्तर इस तरीके से आइए सभी चीजों को पढ़ने के बाद पुर्तः सटीक और सही दिशा में प्रयास करते हैं यहाँ पर नौकरी करेक्ट है कोई बात नहीं नौकरी बात सही है नौकरी करेक्ट ऑप्शन है यानी कि ये वाला तो हो ही नहीं सकता ऐसे काट लिया नौकरी के लिए तो ठीक है परिश्रम करना ही पड़ता है हां नौकरी के लिए परिश्रम मेहनत करना ही पड़ता है बात क्लियर कह दिया है नौकरी परिश्रम करना पड़ता है ना, ना। गलत नौकरी की परिश्रम की परिश्रम ना ऑप्शन ए सही है निम्नलिखित में से आपको बताना है कि वाक्य में आपादान कारक है आपादान का मतलब होता है कहीं ना कहीं आपको अलगाव की स्थितियां देखने को मिलेगा अलगाव होना पाया जाएगा कहीं ना कहीं आपादान में अलगाव की स्थितियां होना पाया जाएगा अपादान में जरूर अलग होगा अपादान में आपको कंडीशन बताता हूं आपादान एक ऐसा कारक है जिसमें आप सभी को से मिलेगा और से जैसे ही मिलेगा उसमें अलग की बात करना प्रारंभ कर देगा ठीक है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है कुल्हाड़ी क्या है एक साधन है साधन की बात करने वाला करण होता है न कि अपादान कट गया वह भूख से बेचैन है मैंने कहा भैया भूख से बेचैन है यहां पर कोई बात अलगाव की स्थिति भी नहीं हुई कट गई लड़का पेड़ से गिरा लड़का पहले पेड़ पे था उस पे से क्या हुआ गिर गया पेड़ से क्या हुआ अलग हो गया अलगाव की स्थिति कहां मिली केवल सीप मिली साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है सुधरती होगी लेकिन अलगाव का कंडीशन हमें चाहिए जो कि यहां नहीं मिल रहा था सैतालीस सैतालीस नंबर बताइए भाई हां सैतालीस नंबर बता दीजिएगा आज हम लोग को भर अच्छे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और ये आपको ना प्रैक्टिस रोज के कर रोज करना है कभी छोड़ना नहीं है प्रैक्टिस आप नहीं छोड़ना है भाई मेरे भाई आप ही लोगों में से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस के लिए पर लगे रहते हैं और सफलता ही उनको मिलती है तो आपके लिए मैं बता दिया हूँ शुरुआत में कि राम बाढ़ के लिए कोई चीज ही नहीं है आप यही प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं यही रामबाड़ में परिवर्तन हो, हो जाता है मेरे भाई कन्वर्ट हो जाता है आपको ये पता होना चाहिए किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है कर्म कारक क्या होता है मेरे भाई कर्म के अनुसार होगा लेकिन यहाँ पर बात ये आ गई है नहीं होना चाहिए मैंने कहा कि भैया राजा ने ब्राह्मण को बुलाया यहां यहां पर पर आ गया यहां पर आया कि भैया को बुलाने कर्म कर्म के साथ को का इस्तेमाल हुआ ठीक है मां बच्चे को सुलाती है सुलाने काम कर्म का होना जरूर ग्वाला गाय दुहता है कौन ग्वाला बात सही है कभी कभी लोप रहता है लेकिन बात सही है क्योंकि ग्वाला कर्म के अनुसार होगा ना यहाँ बालक रोते रोते सो गया भैया रोना रोना कोई सुनाने काम नहीं तैतालीस करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाना है ए ऑप्शन को लगा के थोड़ा सा आगे चलने की जरूरत आपको है बहुत अच्छा अड़तालीस बादल का प्रयवाची शब्द नहीं है बादल का प्रयवाची बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में और यही बादल का एक ऐसा प्रयवाची जो इनमें से नहीं होना चाहिए कौन ऐसा है जो है ही नहीं मैंने कहा कि ठीक है जरा सोचते हैं कि तोयद है पयोध है नीरद है और ये तयोधी है जितने भी बादल के प्रयवाची होते हैं जैसे बादल के प्रवाची तोयद होता है पयोधर होता है नीरद होता है ये आपके समुद्र के अंतर्गत बनते हैं जानते हैं आप भी पता है कि समुद्र के अंतर्गत बनते हैं सर समुद्र के अंतर्गत अगर बनेंगे तो उसको और कुछ कहते हैं मैंने कहा कुछ भी नहीं कहते हैं। इसको सागर कहते हैं इसी को सागर कहते हैं सर एक तो अर्णव होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अर्णव भी होता है सागर भी होता है यहां पर आपका समुद्र भी होता है करेक्ट ऑप्शन क्या है केवल केवल ऑप्शन डी दिया है उम्मीद और आशा करता हूं, बहुत सटीक तरीके से समझ में आ रहा होगा जो मना कर दे समझ लो कि तीन ऐसे होंगे जो होंगे फूल हंसे कलियां मुस्कुराए क्या झूठ बात बोला है क्या झूठ बात बोला है इसने इसने कहा कि फूल हंसे से मुस्कुराए पॉसिबल है नहीं ठीक है अनुप्रास वही होता है जहां पर आपको वर्णों की आवृत्ति देखने को बार बार मिलता है वर्णों की आवृत्ति देखने को बार बार आप सभी को मिलता है मेरे भाई मैंने कहा कि ठीक है मिलता होगा ना लेकिन अभी वर्णों की आवृत्ति बार बार देखने को नहीं मिल रही है और जैसे ही मिलता है तो हमने कहे भैया उसका नाम अनुप्रास होता है उत्प्रेक्षा अलंकार वही होता है जहां पर संभावना जताई जाती है मन मनहू जनहू जो देखने को मिलता है कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ कहीं भी नहीं हुआ इसलिए मैं इसको भी काट दो रूपक रूपक वाई उपमेय पर उपमान का अभेद होता है आरोप लगाया जाता है मेरे भाई यहां पर कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा था मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं मैंने इसको कट आउट कर दिया मानवीकरण आपका यहां पर करेक्ट होता है जब सजीव चीजें ना निर्जीव जैसा व्यवहार करती है मेरे भाई तो वह क्या कहलाती है मानवीकरण कहलाती है दीवारों के भी कान होते हैं पक्की बात है ना ना पक्की बात नहीं है मानवीकरण है क्यों जहां पर आपको झूठा दर्शाया जाए कोई चीज झूठ में बोल दिया जाए और आप जान के गलती न ठहराओ मेरे भाई गलती को जान बुझ के लेना है और फूल हंसे नहीं।, नहीं अरे बोल दिया, बोल दिया दिया लेकिन पॉसिबल है नहीं कि फूल हंसते हुए देखे हो कभी ऐसे ऐसे नहीं कलिया कैसे मुस्कुराएंगे मेरे भाई राइट ऑप्शन मानवीकरण होता है चलिए पचास की तरफ हम लोग आए पचास वाले प्रश्न के निम्नलिखित में से पंक्ति में से किस रस का उदाहरण हा प्राण प्यारे श्रृंगार रस आपको मालूम है श्रृंगार इस तरीके से होता है श्रृंगार रस इस तरीके से होता है जो कि ये गलत लिखा है श्रृंगार रस ऐसे होता है और श्रृंगार रस की एक कहानी होती है जो इसमें प्यार मोहब्बत की बातें कुछ निकल के आती है निकल के नहीं है हाय प्राण प्यारे दुख की बात आ रही है यहां पर अद्भुत की बात यहाँ पर नहीं निकल रही है विभस जुगुप्सा के लिए बात नहीं आ रही है कहीं घृणित होने का मन नहीं पाया जा रहा है मैंने कहा ठीक है करुण का क्या होता है अस्थाई भाव आपने कहा सर इसका अस्थाई भाव शोक होता है और शोक की बातें होता है हाय हाँ, प्राण प्यारे हाय भी कह सकते हैं हाय प्राण प्यारे और आपके सामने यहां पर दिया है जीवित रहो किसके अब बोलेंगे याद रखने वाली बात है फौजी बैच सिपाही बैच या स्पेशल बिहार एसएससी एस सी की बात करूं या फिर दिल्ली पुलिस राजधानी बैच की बात करूं ये वही बैच है जो आपके ऐप पर मेरे भाई मौजूद है एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर मन से ताकि दिक्कत परेशानी का सामना किसी और को न करना पड़े टाइम के अनुसार जुड़ना पड़ेगा मेरे भाई मैथ एंड रीजनिंग क्लास रोज शाम को एकदम बेसिक से अजय सर की क्लासेस चलते हैं ये आपको पता होना चाहिए आठ बजे सर करना क्या है कुछ भी नहीं करना है एस एस ऐप डाउनलोड करना इसके माध्यम से पूर्ता सटीक और सही जानकारी मिलती है यहाँ पर आपका इंस्टा यहाँ पर आपका फेसबुक यहाँ पर आपका सामने होता है टेलीग्राम जिसके माध्यम से आप जुड़ते हैं तो एक नए नए अपडेट्स मिलते हैं यहां पर ट्विटर होता है जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं यही आपका क्या है यूट्यूब है और यहाँ पर मैंने क्या कराया आपके बीच में कम से कम पचास क्वेश्चन कराया जरा आप बताइएगा आपने सटीक और सही कितना किया इस चीज को मैं जानना चाहता हूँ आप अपने कमेंट में छोड़िएगा सर समय कितने बजे चलती है क्लास मेरे भाई पांच बजे चलती है पांच बजे ही जुड़ा करो प्लीज पांच बजे ही जुड़ा करो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जीवन में समय बार बार आता है आ, समय बार बार नहीं आता है जीवन में न तो जीवन बार बार आता है न तो समय बार बार आता है इसलिए एक बार मिला है इसको तरीके से जी लो और इसको तरीके से सीख लो ठीक है चलिए समय के साथ होते हैं दोस्त अलविदा तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद